अमेरिकी दवा कंपनी गिलियड द्वारा सनलेनका ब्रांड के तहत बेची जाने वाली एचआईवी की दवा लेनाका पाविर की कीमत महज $42 यानी कि 3500 रुपए के करीब होगी। इस दवा की मौजूदा कीमत $42,000 यानी कि 35 लाख से भी ज्यादा है। मेडिकल साइंस के लिए इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है। एचआईवी एक वायरस है जो शरीर की इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और इससे एड्स नाम की खतरनाक बीमारी होती है। बता दें कि दिसंबर 2022 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा एचआईवी संक्रमण के लिए दवा को मंजूरी दी गई थी। अब एचआईवी का इलाज होता है, लेकिन अब एचआईवी को रोका जा सकता है। दुनिया में 4 करोड़ से ज्यादा लोग एचआईवी से संक्रमित हैं और भारत में इसकी संख्या 25 लाख के करीब है। दिग्गज दवा कंपनी गिलियड ने लेनकापाविर के टेस्ट परिणामों की घोषणा करते हुए ये कहा कि दक्षिण अफ्रीका और युगांडा में 5000 महिलाओं पर किए गए टेस्ट के बाद इसे 100% कारगर माना गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जानलेवा और लाइलाज बीमारी एड्स का भी सस्ता और असरदार इलाज आम लोगों तक उपलब्ध होगा। ब्रिटेन के लिवरपूल विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता एंड्रू हिल ने बताया कि ये वैक्सीन एक टीका लगाने जैसी है। इस नई रिसर्च को एंड्रू हिल ने म्यूनिक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में प्रस्तुत किया। रिसर्च में देखा गया कि अगर दवा निर्माता गिलियड ने सस्ते जेनेरिक इंजेक्शन के निर्माण की अनुमति दी तो दवा बनाने की लागत कितनी कम हो सकती है। दिलचस्प ये है कि $42 में बेचने पर भी कंपनी को 30% का प्रॉफिट होगा। अफ्रीका में हर 25 में से एक व्यक्ति एड्स से संक्रमित है और इसलिए इस महाद्वीप के लिए इसे क्रांतिकारी बताया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो पिछले साल 13 लाख नए एचआईवी मरीज हुए थे और साल 2021 में भारत में एड्स से 42,000 लोगों की जान गई थी। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।